वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में अब एक पॉइंट को समझो मैंने जितने एग्जाम्पल अभी तक लिए उन एग्जाम्पल्स में मैंने कहा फोर्स दस न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट पाँच मीटर है एंगल थीटा आपने कहा ठीक है वर्क डन कितना एफ एस कॉस थीटा आंसर मैंने फोर्स को चेंज ही नहीं किया दस है तो दस है अब सोचो एक ब्लॉक है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ पहले वन न्यूटन फिर टू न्यूटन फिर थ्री न्यूटन फिर फोर न्यूटन फिर फाइव न्यूटन फिर टेन न्यूटन फिर हंड्रेड न्यूटन दो सौ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है एक हज़ार मीटर तो बोलो वर्क डन क्या कैलकुलेट करोगे अब फोर्स तो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है चेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है कॉन्टीन्यूसली चेंज तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट करोगे अब फोर्स क्या यूज़ करोगे उसमें आप क्या करोगे छोटे 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 इंटरवल लोगे क्योंकि जहां फोर्स एफ वन है फिर एफ टू है फिर एफ़ थ्री है फिर एफ़ फोर है कितने इंटरवल आपको खुद ही नहीं पता कितने इंटरवल क्योंकि इंटरवल तो कितने भी हो सकते हैं छोटे 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 डीक्स लेते जाओ तो ऐसे केस में वर्कडन कैसे निकलेंगे ये कॉन्सेप्ट कौन बताएगा वर्कडन बाई वेरिएबल फोर्स इसको बताने और समझाने के लिए हम एक काम करते हैं इसमें सबसे पहले ये सपोज करते हैं कि आपको ये ग्राफ गिवन है ये एक्स है और ये एफ है तो मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूँ किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का तो एफ और एक्स का ये ग्राफ है ये ग्राफ है मुझे ये बताओ कि इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है चलो मान लेते हैं आपकी बात ये टेन न्यूटन है राइट और मान लो बॉडी डिस्प्लेस होती है एक्स इज इक्वल टू तो फाइव मीटर तक ये लो पाँच मीटर तक ठीक है और मेरा क्वेश्चन है इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है बताओ कैसे किया आपने फिफ्टी फिफ्टी आपने एरिया निकाल दिया ऐसा क्यों क्योंकि आपको मन में पता था कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्योंकि आपको ये बात पता थी तो आपने क्या किया आपने ये फोर्स ली और इसको डिस्प्लेसमेंट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन तो एक नया फॉर्मूला आ गया एक रूल बन गया रूल क्या बन गया कि अगर आपके पास एफ एक्स ग्राफ है फोर्स एंड एक्स ग्राफ है और आप इसके अंडर क्या निकाल लेते हैं एरिया तो वो एरिया आपको क्या देगा अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या ये पहला रूल क्लियर है ठीक है यहाँ तक तो आज के बाद अगर मैं एफ फोर्स का कोई भी ग्राफ दूं एक्स के साथ आप एरिया निकाल देना अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा कोई डाउट ठीक है मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने कहा ठीक है फिर से क्वेश्चन करते हैं इस बार फिर से ये एक्स है और ये एफ है इस बार ग्राफ ये रहा क्या फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं नहीं है फोर्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है चेंज तो इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है इस वेरिएबल फोर्स में अमाउंट ऑफ वर्कडर निकाल लो कहाँ से कहाँ तक यहां से एक्स वन से लेके कहाँ तक एक्स टू तक क्या ये पॉइंट क्लियर है तो आपको डन निकालना है अब आपको तो पता ही है कि एरिया निकाल दो एरिया निकालोगे वर्ग ड ना आएगा तो बोलो एरिया बोलो कैसे निकलेगा आपको कही है कैसा एरिया है ना रेक्टेंगल ना सर्कल ना ट्राइंगल इनके फॉर्मूला तो मुझे आते हैं एरिया निकालने के ये अजीबों की फिगर का एरिया नहीं निकाल सकता मैं भी नहीं निकाल सकता पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई भी ग्राफ कोई भी लाइन के अंडर एरिया तो अजीब सी शेप बन जाएगी तो मैं उसका एरिया निकाल नहीं पाऊंगा क्या ये पॉइंट क्लियर है तो किसी ने सजेशन दिया एक काम करो एक तरीका अपनाते हैं क्या तरीका वो कहते हैं एक काम करते हैं इसमें आप इसका एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट लो मैंने कहा कितना छोटा कहता पॉइंट जितना छोटा पॉइंट जितना कहता माइक्रोस्कोप लेके घुस जाओ इसके अंदर और आपको ये ये जो पॉइंट है ये लंबी सी लाइन नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी जबकि ये बहुत ही छोटा पॉइंट है तो मैंने कहा उससे क्या होगा वो कहता उससे ये होगा कि आप इतने पोर्शन का बस छोटे से पॉइंट का जो कि हॉर्जोंटल पॉइंट नजर आएगा आपको ये हॉर्जोंटल तो आपको यह पता है कि इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट के लिए फोर्स की वैल्यू मान लो एफ है यहां से यहां तक एफ है और यह डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है कितनी है डी एक्स है और आप इसके अंडर ये छोटा सा एरिया निकाल दो क्योंकि ये एरिया बहुत इजीली निकाल पाओगे कैसे ये रेक्टेंगल बन गया ना पूरा तो रेक्टेंगल में ये फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एफ है और ये डी एक्स है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई एफ इन डी एक्स लेकिन प्रॉब्लम ये मैंने कहा मैं कर तो दूँ प्रॉब्लम यह है कि मेरे को तो टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ तो बस छोटा सा एरिया आया उसने कहा एक काम करो इसके अंदर आप फिर से नेक्स्ट एक और इंटरवल ऐसा ही ले लो एक और ले लो मैंने कहा फिर उससे एक और इंटरवल लेने से एक और इंटरवल लेने से ये डीएक्स आएगा ठीक है और एक और इंटरवल लेने से एक नई फोर्स आएगी यहाँ पर हल्की सी चेंज हो आएगी मान लो एफ टैश क्योंकि फोर्स चेंज होगी ना हल्का सा इंटरवल जैसे यहाँ चलो यहाँ लेता हूँ इंटरवल ये ले लिया इंटरवल ये ले लो यहाँ इंटरवल ले लो जब यहाँ इंटरवल हो गए तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको तो ये मैंने एक पोर्शन लिया ये मैंने इंटरवल लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू भी आप चेक करो क्या आ रही है कुछ अलग आएगी और ये क्या है डी है और ये मैंने क्या निकाल दिया इसका एरिया तो मैंने कहा फिर उससे क्या होगा वो कहता है काम करो शुरू हो जाओ यहाँ से शुरू हो जाना ऐसे रेक्टेंगल लेते, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और यहाँ तक रेक्टेंगल लेते जाओ सबके एरिया निकाल देना आंसर आ जाएगा अब मैंने कहा ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे कितने कहता वो नहीं मुझे कितने बनेंगे इंटरवल तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनते रहेंगे पर मैंने आपको बता दिया हाँ ऐसे एरिया कर सकते हो तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि थ्योरेटिकल तरीका समझ में आ रहा है कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है कोई डाउट इसमें हाँ वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली हम ऐसा कर नहीं पाएंगे वो बात अलग है तो मैथ वालों ने कैलकुलस में एक तरीका निकाला ये प्लस टू के मैथ्स में भी आएगा एरिया अंडर कर्व टॉपिक है पूरा उसे एरिया निकालते हैं कैसे तो मैथ्स वाले क्या कहते हैं कुछ मत करो जी इतने रेक्टेंगल रुटेंगल लेने की जरूरत ही नहीं है छोड़ दो ये कुछ मत लो आप सिंपली जो आपने शुरू में एक रेक्टेंगल लिया था ना शुरू में एक रेक्टेंगल लिया बस वही ले लो आपने स्मॉल स्मॉल एरिया ले लिया इसका छोटे से पोर्शन का और वो कितना आया था वो इतना आया और ये क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और आपको क्या चाहिए टोटल वर्क डन तो आप इसे क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो क्योंकि एक्स के साथ इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स क्या लगाओगे एक्स वन से एक्स टू बस आप एक एलिमेंट लो उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लो टोटल अगर आपको एरिया निकालना है उसकी जगह ये भी तो एरिया ही है ये जो मैंने किया ये भी तो स्मॉल एरिया ही कैलकुलेट किया स्मॉल एरिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और टोटल एरिया इज दी क्या करना पड़ेगा एज ए सभी अमाउंट ऑफ डन को इंटीग्रेट तो ये बेस्ट तो समझ में आया तक तो rule ये है है कि अगर force constant है किसी भी न्यूमेरिकल में फिर तो कोई टेंशन नहीं फिर तो डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा खत्म अगर फोर्स चेंज हो रही है वेरिएबल है तो फिर ये फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्लियर है यहां तक जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर्स की वैल्यू मैंने दी 10 न्यूटन 10 न्यूटन मैंने कहा जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो है 5 मीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है मान लो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी पे सेम डायरेक्शन में है तो माउंट ऑफ वर्दन बोलो क्या होगा एफ एक्स कॉस जीरो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो तो आपने आंसर क्या बोला मुझे 50 जूल क्या ये पॉइंट क्लियर है बात खत्म लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि फोर्स की वैल्यू मान लो फोर्स की वैल्यू इज 10x अब x जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी जब एक्स जीरो था ओरिजिन था फोर्स जीरो थी एक्स वन था फोर्स इसमें टेन थी एक्स टू मीटर हो गया ट्वेंटी होगी थ्री मीटर हो गया थर्टी होगी इट्स अ वेरिएबल फोर्स और क्वेश्चन है कि आपने एक बॉडी पे इस फोर्स को अप्लाई किया टेन एक्स और आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ चली वन मीटर से लेके सपोज बॉडी एक्स इज इक्वल टू फाइव मीटर तक चली फाइन अमाउंट ऑफ वर्क डन अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे एफ डीएक्स कहां से कहां तक वन से लेके फाइव तक समझ में आ रहा है कैसे करना है फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें टेन एक्स इंटू डी एक्स वन से लेके फाइव तक टेन कॉन्स्टेंट आ गया एक्स डी एक्स कहां से कहां तक वन से लेके फाइव तक टेन इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाय टू कहां से कहां तक वन से लेके फाइव तक एक बार एक्स जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट आंसर तो डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आज के बाद वो गया टाइम जब आपको एफ देंगे एस देंगे एंगल देंगे और कहेंगे ठीक है आप वर्कडर निकाल लो आप प्लस वन में पास हो ऐसे कैसे पास हो आपको क्या देंगे वेरिएबल फोर्स देंगे और कहेंगे अब वर्क डन निकाल लो हाँ अब आप पास हो तो डिफरेंस देखना आ गया कब इंटीग्रेशन यूज़ करनी है और कब यूज़ नहीं करनी और हाँ आपको समझ में नहीं आया चलो किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि इंटीग्रेशन यूज़ करनी है कि नहीं करनी तो अगर आप इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे और फोर्स कांस्टेंट है तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है इसने तो सही आंसर देना ही देना है ये वेरिएबल फोर्स पे नहीं चलता समझ में आ रहा है यहां तक तो बेस्ट है वो यूज कर लिया करो बात ही खत्म हो गई क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक ठीक ओके okay. तो इस टॉपिक में वर्क डन में वेरिएबल फोर्स में वही समझा रहा है अगर ऐसा टेढ़ा सा एरिया है इसके अंडर एरिया अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा वो रेक्टेंगल निकाल निकाल के इससे अच्छा डायग्राम बनाने में अच्छा बनाया था, था क्योंकि ये तो देखो ना यहीं से ऐसे तो ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलना था तो ये अच्छा डायग्राम नहीं बार तो आपको समझ में आ रहा होगा रेक्टेंगल ले ले कर कैसे किया फिर ये कुछ करना नहीं आपको पढ़ना भी नहीं है मेरे हिसाब से बस आप बॉक्स में ये डाल लो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन वेरिएबल फोर्स में इसके इक्वल होगा वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कर क्या रहा है ये थोड़ा और तरीके से कर रहा है वो कह रहा है एक्चुअल में यह डी एक्स नहीं है एक्चुअल में ये डेल्टा है, यह डेल्टा एक्स है ये इंटरवल थोड़ा बड़ा लिया उसने एरिया निकालने के लिए इंटरवल बड़ा चाहिए होता है तो उसने कहा एफ डेल्टा एक्स लेते हैं तो एरिया आएगा और इंटरवल डेल्टा एक्स बड़ा है और ऐसे समेशन कर देते हैं सभी इंटरवल्स की तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्कडन आएगा पर ऐसा करना बड़ा मुश्किल है वो क्या इंटरवल छोटा ले लो छोटा लेने का तरीका डिफ्रेंसिएशन बताया था ना लिमिट ले लो लिमिट लगाने से डेल्टा एक्स क्या बन जाता है डीएक्स पर यह आपसे ना पोर्शन कोई पूछेगा नहीं ये बस समझने के लिए ये यूज भी नहीं होगा आपको बस यही यूज करना आना चाहिए इसी को मार्क कर लो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन वेरिएबल फोर्स में बस इतना और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्लियर है यहां तक और ये भी अंडरलाइन कर लो जो डन होता है वो क्या होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ठीक है यहां तक ठीक वो डाउट इसमें इसके अंदर ये लो क्वेश्चन है ये आपको कौन सा ग्राफ दे रहा है फोर्स वर्सेस एस का ग्राफ दे रहा है ये लो ये आपका फोर्स है और ये क्या है ये एस है ये फोर्स है और ये एस है तो आपको क्या निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो क्या निकालना है इसका एरिया तो निकालो एरिया कैलकुलेट करो तो इसका एरिया निकालो एफ एस कर्व है इसका एरिया निकालोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा तो कैलकुलेट करो वर्क डन कितना आ रहा है का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव वर्कडन भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं तो आप नेगेटिव वर्कडन को कंसिडर करेंगे इसका आंसर आया yes, आया कैसे निकाला आपने इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल और फिर ये एरिया निकाल के क्या किया माइनस माइनस क्यों क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस फिफ्टीन है कर लोगे सॉल्व तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का उसके बाद इस क्वेश्चन को करें ट्राई करें क्वेश्चन के अंदर वुमेन पुश इज अ ट्रक ठीक है एक वुमेन ट्रक को पुश करती है ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म ठीक है बड़ा ट्रक है और जान भी ज्यादा है विच हैज रफ सरफेस फ्रिक्शन भी है शी सप्लाईज फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ दस मीटर तो दस मीटर के लिए ट्रक पे वो कितनी फोर्स लगाती है सौ न्यूटन बिटवीन टेन टू ट्वेंटी मीटर फोर्स डिक्रीज टू फिफ्टी न्यूटन रहे दस मीटर से बीस मीटर तक फोर्स कितनी हो जाती है कम हो जाती है पचास न्यूटन पहले लगाती है सौ न्यूटन उसके बाद लगाती है पचास न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स पूरे रास्ते में कितनी है पचास न्यूटन फ्रिक्शन लगती जा रही है फिफ्टी फिफ्टी एंड फिफ्टी क्या निकालना है कैलकुलेट वर्क डन बाय द दुमेन एंड फ्रिक्शन इन द टू केसेस एंड ड्रॉ द ग्राफ देखो ग्राफ का काम तो मैंने कर दिया ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना था पर चलो मुझे पता नहीं था तो मैंने पेस्ट कर दिया इसमें तो ग्राफ का आंसर तो आ गया ये फोर्स सप्लाइड है और ये बीस मीटर है तो पहले दस मीटर तक फोर्स कितनी है सौ हंड्रेड न्यूटन है दस मीटर से बीस मीटर तक फोर्स डिक्लाइन हो रही है और कितनी हो गई पचास क्या ये ग्राफ क्लियर है ठीक है यहां तक अगर मैं आपसे ये पूछूं इस वुमेन ने कितना वर्क डन किया तो मैं क्या करूं इस ग्राफ का एफ और एस का क्या निकाल दूं एरिया ठीक अब कई लोग ये पूछेंगे सर एरिया तो निकाल देते हैं पर ये जो फोर्स है ये इसकी अप्लाइड फोर्स है इसमें आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लिया नहीं तो वर्क डन की कैलकुलेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीन किस्म के या वेरियस किस्म के वर्क डन पूछे जाएंगे जैसे पहला डन पूछेगा वॉट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स वॉट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बा अप्लाइड फोर्स तो आप जब फोर्स यूज करेंगे वर्कडन कैलकुलेशन करने में एफ एस कॉस्ट थीटा तो उसमें एफ कौन सी यूज करेंगे अप्लाइड फोर्स अगर वो ये पूछेगा व्हाट इज डन बाय फ्रिक्शन तो एफ एस कॉस् थीटा में फोर्स कौन सी अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन अगर वो पूछेगा व्हाट इज दउंट ऑफ वर्कडन बाई नेट फोर्स तो फिर नेट फोर्स निकाल के डिसप्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूं जिसे मान लो आपको एक नया नोमेरिकल दे रहा हूं मैं ये मेरी अप्लाइड फोर्स है सौ न्यूटन ये मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है दो न्यूटन या टू न्यूटन चलो फिफ्टी न्यूटन और मान लो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज फिफ्टी मीटर ये गिवन है क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज फोर्स अप्लाई फोर्स व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन

अब जैसे इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय बाई वुमेन आप सिंपली क्या करोगे इसमें फ्रिक्शन का तो काउंट है ही नहीं आप इसका एरिया निकाल दो तो आप जब इसका एरिया निकालोगे निकाल के देख लो ये रेक्टेंगल का एरिया है रेक्टेंगल के एरिया में इसको ऐसे ब्रेक कर लो ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड करो चेक करो आंसर क्या आ रहा है वन पहला आंसर क्लियर है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वुमेन नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है? वॉट इज ई वर्क डन अगर आपको वर्क डन निकालना है तो पहली बात तो किस में आएगा मल्टीप्लाई तो कर देते हैं तो ट्रक कितना डिस्प्लेस हुआ 20 मीटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में कितने की वन है माइनस थाउजेंड चू क्या ये पॉइंट समझ में आया दोनों में फर्क है वर्क डन बाय वुमेन अलग है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग है समझ में आ रहा है यहां तक कोई डाउट इसमें ठीक ठीक इस क्वेश्चन को करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चेक करें देखो कितने लोगों का आंसर आया इसमें आ गया क्या किया डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन नहीं yes. क्लिक नहीं किया क्लिक किया कैसे फोर्स की वैल्यू में क्या आ रहा है एक्स तो जब फोर्स की वैल्यू में एक्स आ रहा तो है तो वेरिएबल फोर्स है तो डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एफ डी एक्स कहां से कहां तक जीरो से लेके टू तक right? राइट क्लियर है यहां तक फोर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं फिफ्टीन प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो एक्स टी एक्स कहाँ से कहां तक जीरो से लेके टू तक फिर इंटीग्रेशन की याद आ रही होगी इसे ओपन करो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म फिफ्टीन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ये देखो सेकेंड टर्म कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके टू तक जीरो से लेके टू तक फिफ्टीन वन डी एक्स जीरो से लेके टू तक जीरो पॉइंट फिफ्टी एक्स डी एक्स कहां से कहां तक जीरो से लेके टू तक तो फिफ्टीन इंटू इसकी इंटीग्रेशन एक्स जीरो से लेके टू तक जीरो पॉइंट फिफ्टी इंटू इसकी इंटीग्रेशन एक्स 2 टू जीरो से लेके टू तक तो एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट ट्राई करो इस आंसर चेक करो प्लीज अरे देखो याद तक क्लियर है हो जाएगा क्वेश्चन वेरिएबल का ओके okay. नेक्स्ट क्या करें बोलो क्या करें एरिया कौन सा ग्राफ है एफ वर्सेस एक्स का एरिया इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव और इसका कर लोगे सॉल्व ठीक नेक्स्ट एनर्जी